आटे की परेशानी यही है कि बच्चे खाना मांगते हैं तो आटा नहीं होता। तब इतनी महंगाई हो रही है, ये चक्कियों पे 1200 का दे रहे हैं, यहाँ से 650 का। ये मजबूरी है तो क्या करें, खाना नहीं है। सुबह 6 बजे से खड़े हैं, अब आटा मिला है। AWC डिजिटल मीडिया के क्रिएटिव डिपार्टमेंट से फारूक भुट्टा आपके साथ। इस वक्त मुल्क को दरपेश वैसे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आटे की किल्लत और बहरान के हवाले से इस वक्त अवामी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उस आटे की तकसीम के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो अमली काम भी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आटे की बहुत लंबी लाइनें इस वक्त भी मौजूद हैं। तो हम उन लोगों से बातचीत करते हैं जो इस वक्त सुबह से लेकर अब तक आटे के हसूल में लाइन में खड़े हुए हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त एक फैमिली हैं जो आटा लेने के लिए सुबह से एक लाइन में खड़े थे और अब बड़ी मुश्किल से उनको आटा मिला है, तो उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है सर, सुबह 6 बजे से खड़े हैं, अब आटा मिला है, लिहाजा दुकानदारी भी ख़त्म हो गई है। दुकान पर जाएँ या आटा लें, आप मेहरबानी करो, इन वज़ीर आज़मों को समझाओ, कोई सियासत छोड़ दें, प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को कोई आटे की तरफ आ जाए। आप घर छोड़ के यहाँ पे आई हैं, बहुत परेशानी के आलम में, घर बार छोड़ के आपको क्या परेशानी है आटे के असूल में? आटे की परेशानी यही है कि बच्चे खाना मांगते हैं तो आटा नहीं होता, इतनी महंगाई हो रही है, ये चक्कियों पे 1200 का दे रहे हैं, यहाँ से 650 का, इसलिए अपने टाइम जाया करते हैं। अच्छा, आप शनाख्ती कार्ड दिखा के उस वक्त आटा मिलता है आपको? शनाख्ती कार्ड दिखा के मिलता है। घर बार छोड़ के जब आप आती हैं, वहाँ बच्चों को घर को छोड़ के जब आ रही हैं, तो सुबह 6 बजे से आप यहाँ पे आई हुई हैं, आपको परेशानी नहीं होती? परेशानी है, मजबूरी है तो क्या करें, खाना नहीं है। कमाई इतनी है नहीं, परेशानियाँ, कारोबार नहीं इतने हैं, इसलिए बेटा लाइन में लगना पड़ता है। जी, इस वक्त बहुत से लोग परेशानी के आलम में इस लाइन में खड़े हैं और सुबह 6 बजे से वो कह रहे हैं कि आटे के हसूल में जो है खड़े हैं, और अब तकरीबन 12 बजे के बाद उनका नंबर आया है तो उन्होंने आटा लिया है। इसी तरह हम मज़ीद लोगों से रابطہ करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप आटा लेने के लिए आई हैं, अभी आई हैं, शनाख्ती कार्ड दिखा के आपको आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? शनाख्ती कार्ड दिखाया, फौरन आटा मिल गया है। आटा मिल गया? हाँ जी। अच्छा, और तो कोई परेशानी नहीं है आपको? नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं। तो हमारे पास एक और खातून मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, इस महंगाई के दौर में आटे के हसूल में उन्हें क्या मुश्किलात हैं और दीगर मतलब महंगाई के हवाले से क्या कहती हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी महंगाई कहती है, ये आटा गिनो तो वही महंगा, घ्यू महंगा, चीनी महंगी, केड़ी चीज़ गिनो, वह तो बंदा निकलता है काम दे, आगू काम वाले नहीं बता के पैसे दें दे। अच्छा, आप ये बताएं कि कहीं जॉब करने जाती हैं, कहीं काम पर जाती हैं? नहीं, कोठिया में काम करती हूँ। तो आपका गुजारा हो जाता है? नहीं होता, नहीं होता गुजारा। आप आटे के लिए आए हैं, आटे के हसूल में यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, आपको आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है, आप तो मिल गया है। आटा मिल गया आपको? कितने में मिल रहा है आटा? 650। शनाख्ती कार्ड दिखा। परेशानी तो नहीं है? ये यहाँ पे एक टीम मौजूद है जो आटे की तकसीम में पेश है, उनसे हम ये जानेंगे कि लोगों की जो शिकायत है कि लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा, जबकि आटे का बहुत सारा स्टॉक हमारी नज़रों के सामने है, मौजूद है, तो हम उनसे ये जानेंगे कि क्या ये बात दुरुस्त है। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे पॉइंट पर आए हैं। दूसरा, हमारे पास सुबह 9 बजे 700 बैग आते हैं, आप अभी पीछे देख सकते हैं हमारे पास 300-350 बैग अभी भी मौजूद है, हमारे पास बिल्कुल भी रश नहीं है। नज़्म व ज़ब्त के साथ हम जो है एक आईडी कार्ड पे एक बैग दे रहे हैं लोगों को, और होंगे बहुत से पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे करप्शन भी होगी, पर ये एसी साहब की तरफ से हमारी जिस पॉइंट पे ड्यूटी है तो हमारी तरफ जो है ना बिल्कुल नज़्म व ज़ब्त के साथ आटा तकसीम हो रहा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। तम इतनी महंगाई हो रही है, ये चक्कियों पे 1200 का दे रहे हैं, यहाँ से 650 का। ये मजबूरी है तो क्या करें, खाना नहीं है। सुबह 6 बजे से खड़े हैं, अब आटा मिला है।